सो हेलो गाइस, वेलकम टू ओटीएस। आई एम आयुष भदौरिया। जैसा कि आप सबको पता है कि परसों आपका एग्जाम था सीडीएस का, तो इंग्लिश देन जीएस एंड मैथ्स, ये तीन क्वेश्चन पेपर्स आते हैं। सो आज मैं इस लेक्चर में इंग्लिश पेपर का थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा और अगले लेक्चर में जीएस के पेपर का एनालिसिस होगा। सो आज इंग्लिश के पेपर के एनालिसिस के लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं। So let's get started, guys. Now, सबसे पहले मैं बता दूं, इंग्लिश के पेपर में जैसे कि आप लोग सब लोग वाकिफ हैं, 120 क्वेश्चंस आते हैं, 120 क्वेश्चंस। जो पेपर इस साल का आया था, मेरे हिसाब से जो मैंने उसको एनालाइज किया, चेक किया, मेरे हिसाब से उसमें आपको कम से कम 80 क्वेश्चंस सही करके आने थे, क्योंकि उसके दो रीजन है। एक तो जो बच्चे ओटीए का ट्राई करते हैं उनकी कट ऑफ आजकल 95, कम से कम 95 मान के चलिए आप। और जीएस का पेपर थोड़ा सा टफ आने लगा है, एनसीईआरटी से आने लगा है जीएस का पेपर, और बेसिक चीजें नहीं आती हैं, काफी डिटेल्ड एंड एनालाइज चीज है वो पूछते हैं आजकल। सो जीएस का जो एग्जाम होता है उसमें कई बच्चे केवल कट ऑफ क्रॉस कर पाते हैं, कट ऑफ इन द सेंस के 30 नंबर 35 नंबर ला पाते हैं। सो इंग्लिश के पेपर में आपको कम से कम जो है 60 नंबर तो लाने ही चाहिए, है ना। और इस साल का इंग्लिश का पेपर जो आया था, जो दूसरी वजह है वो ये है कि वो पेपर इजी टू मॉडरेट था। डिफिकल्टी लेवल इंग्लिश के पेपर का इस साल जो है बहुत ज्यादा नहीं था, काफी आसान पेपर बल्कि मैं बोलूंगा, क्योंकि एंटोनियम सिनोनियम और इडियम्स एंड फ्रेजेस जो पुराने रिपीटेड थे वो आए थे इस बार। सो जिसने भी पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व किए होंगे उनको बहुत मदद मिली होगी। और एक चीज बस उसमें थोड़ी सी अलग थी कि प्रपोजिशंस एंड डिटरमाइनर्स जो थे वो अलग कॉन्सेप्ट से आया था, लेकिन वो भी अगर आपको पता है कि बेसिक इंग्लिश एंड सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है तो उसको आप सॉल्व कर सकते थे, और नहीं भी कर सकते थे तो केवल 10 क्वेश्चन आए थे उसके। बाकी पेपर मैं बोलूंगा इजी ही था, है ना, इजी टू मॉडरेट था। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि कम से कम 80 क्वेश्चन आप सही करके आए होंगे, तब आपके चांसेस हैं आगे, है ना। तो मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या आया था और उसे कैसे कैसे उस हर्डल को क्रॉस करना था। सबसे पहले 10 एंटोनियम्स आए थे, 10 सिनोनिम्स आए थे, 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस आए थे, ये हो गए आपके 30 क्वेश्चंस। और ये ज्यादातर जो है ना वो पीवाईक्यूज से आए थे, बहुत कठिन नहीं था, काफी आसान थे। जैसे एक ब्रेविटी और वाइट एलिफेंट, हैविंग योर ओन एक्स, ये सब पीवाईक्यूज थे। सो पीवाईक्यूज अगर आपने सॉल्व किए होंगे, और जैसा कि मैं हमेशा कहता भी हूं कि पीवाईक्यूज सॉल्व करना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को देने से पहले, उससे एक तो आपको आपका लेवल पता लगता है और उसमें से कई क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, और अगर उस एग्जाम में रिपीट नहीं होंगे तो आगे किसी और एग्जाम में रिपीट हो जाएंगे, है ना। तो पीवाईक्यू इसीलिए जरूरी होते हैं। तो अगर आपने पीवाईक्यू किए होंगे तो आपने आराम से इसको टैकल कर लिया होगा। तो ये तो हो गए 30 क्वेश्चंस। अब आगे देखते हैं। वर्ल्ड क्लास के 10 क्वेश्चन आए थे। इसमें अगर आपको बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन आता है, पता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, है ना, फिर वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट में भी पहले जो है आर्टिकल आता है, आर्टिकल के बाद नाउन आएगा, नाउन के बाद एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, फिर एडवर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगर आपको ये बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन पता है ना, तो आप ये जो है ये आराम से सॉल्व कर सकते थे, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं थी। बल्कि ये चारों चीजें जो है, जिनके 10-10 क्वेश्चन आए थे, 40 क्वेश्चन हो गए, ये मैं आप इजी टू मॉडरेट, और मॉडरेट में भी ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ज्यादा लेवल, इजी ही रखूंगा मैं इसको, मॉडरेट भी नहीं बल्कि इजी ही बोलूंगा, ये 40 क्वेश्चन इजी आए थे, ठीक है।
नाउ कॉम्प्रीहेंशन के 10 क्वेश्चन आए थे। कॉम्प्रीहेंशन भी हमेशा इजी होता है। इस साल का कॉम्प्रीहेंशन एनवायरनमेंट से रिलेटेड था, तो उसमें फैक्ट्स थोड़े से ज्यादा थे और क्वेश्चंस उसके जो रिलेटेड थे वो काफी इजी थे। और कॉम्प्रीहेंशन तो हमेशा इजी होता है, कोई इसमें बहुत कठिन काम नहीं होता है। आपको सिंपल पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद आंसर्स देने हैं। बल्कि मैं ये कहता हूं कि पैराग्राफ पढ़े, फिर क्वेश्चन पढ़े, फिर क्वेश्चन पढ़ के फिर पैराग्राफ में जाएं, क्योंकि हमेशा पहला क्वेश्चन पैराग्राफ की शुरू की 3-4 लाइनों से आता है, तो वो 4 लाइनें फिर पढ़ें। इससे आपको बहुत आसानी मिलती है, बहुत इजी हो जाता है वो आपके लिए उसको सॉर्ट आउट करना, उसको सॉल्व करना, है ना। तो ये 50 क्वेश्चन हो गए, ये 50 में से आपको कम से कम 40-45 क्वेश्चन सही करके आने थे इन 50 क्वेश्चन में। क्लोज टेस्ट के भी 10 क्वेश्चंस आए थे। इसमें भी आपको बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन पता होना चाहिए और थोड़ी बहुत जानकारी आपको प्रपोजिशंस की भी होनी चाहिए इसमें, क्योंकि क्लोज टेस्ट में कई जगह जो फिल इन द ब्लैंक्स की मैं जो करना था उसमें कई जगह प्रपोजिशंस भरने थे, तो प्रपोजिशन आपको पता होना चाहिए कि सिटिंग ऑन द चेयर होगा या सिटिंग इन द चेयर होगा, टू सिट इन द चेयर, टू सिट ऑन द चेयर, लाइंग अंडर द बेड, लाइंग बीनीथ द बेड, लाइंग इनसाइड द बेड, ये आपको प्रपोजिशंस कहां कैसे इस्तेमाल करने हैं ये पता होना चाहिए। और बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन, जिसके लिए मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो यूपी जो स्टेट बोर्ड्स की बुक होती है, मैं यूपी से हूं तो यूपी बोला मैंने, जो स्टेट बोर्ड्स की बुक होती है इंग्लिश की, खासकर 9th और 10th क्लास की, उनको अगर आप पढ़ लोगे, उनकी बेसिक ग्रामर पढ़ लोगे, तो यूपीएससी का इंग्लिश का सेक्शन होगा किसी भी पेपर में, आप आराम से क्लियर कर जाओगे, है ना। तो इसके भी 10 क्वेश्चन आए थे क्लोज टेस्ट के। Now, sentence formation and errors. Sentence formation हमेशा बहुत आसान होता है, 4 फ्रेज दिए होते हैं, आपको सेटल आउट करना होता है कि कैसे पूरा सेंटेंस बनेगा। तो क्योंकि CDS तो यार ग्रेजुएशन के बाद दिए थे बच्चे, तो इतना तो बेसिक उन्हें आता ही है कि ये सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे सॉर्ट आउट करें, और ये बहुत इजी सेक्शन में आता है हमेशा, ये फ्री के मार्क्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो 50 क्वेश्चन वो, 60-70 और स्पॉटिंग दी एरर्स, ये थोड़ा सा टफ आता है, हर साल टफ आता है। इसमें आपको एग्जैक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स, एग्जैक्ट यूज ऑफ प्रपोजिशन, एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, जीरंड, नाउन, पार्टिसिपल, ये पता होना चाहिए, तो इसको सॉर्ट कर सकते हैं आप। ये टोटल 80 क्वेश्चंस हो गए, और मैं स्पॉटिंग दी एरर्स को थोड़ा सा एज दे दूंगा कि थोड़ा सा कठिन में वो आ जाएगा, लेकिन बाकी की 70 क्वेश्चंस है ना, ये बहुत आसान थे, है ना। तो ये 80 क्वेश्चंस में मैं आपको बोलूंगा कि कम से कम 65 क्वेश्चन आपको सही आने चाहिए थे इसमें से, इन 80 क्वेश्चंस में से। फिल इन द ब्लैंक्स एंड प्रपोजिशंस एंड डिटरमाइनर्स, फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट काफी आपस में रिलेटेड होते हैं, लगभग वही चीज होती है, बस हेडिंग बदल दी जाती है। तो 10 क्वेश्चन इसके और 10 क्वेश्चन प्रपोजिशन एंड डिटरमाइनर्स के, ये थोड़ा सा कठिन में डाल दूंगा मैं, प्रपोजिशन एंड डिटरमाइनर्स, ये 10 क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन उसमें डाल दूंगा मैं। अगर आपको नहीं पता है एग्जैक्ट यूज ऑफ प्रपोजिशन तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ये। और जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें भी बिल्कुल प्रिंसिपल एकदम सेम है कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन पता होना चाहिए और आप फिल इन द ब्लैंक्स आसानी से निपटा दोगे। तो ये कितने हो गए, ये हो गए 100 क्वेश्चंस, ये कुल 100 क्वेश्चंस हो गए। इसमें से मैं आपको बोलूंगा कि यही आपके आराम से 70-75 क्वेश्चंस, बल्कि मैं कहूंगा 80 क्वेश्चंस यही आपके सही होने चाहिए थे, 80 क्वेश्चन यही सही हो गए आपके, आप सेफ एंड साउंड है इंग्लिश के पेपर में। उसके बाद आपको जीएस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपने थोड़ी भी तैयारी कर ली जीएस की ठीक से। और जो बच्चे IIMA और AFA देखते हैं उनकी कट ऑफ तो 300 में से जाती है, और उनकी कट ऑफ लगभग 150 के आसपास जाने लगी है आजकल, तो उनके लिए भी 80 क्वेश्चंस यहां से एकदम सही वो है, सही एग्जैक्ट सही नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, और इससे आपको 60-65 मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक।
नाउ सेंटेंस फॉर्मेशन फिल इन द ब्लैंक्स. आप सोच रहे होंगे दोबारा क्यों लिखा मैंने ये अलग अलग हेडिंग्स के अंदर सेम चीज आई थी. सेंटेंस फॉर्मेशन और फिल इन द ब्लैंक्स, ये हेडिंग दूसरी थी लेकिन चीज बिल्कुल सेम थी और प्रिंसिपल भी एकदम सेम था. सेंटेंस फॉर्मेशन, एग्जैक्ट यूज ऑफ द वर्ड्स, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये अगर आपको पता है तो आप इनको भी आराम से निपटा सकते थे. ये आपके 120 क्वेश्चंस टोटल हो गए, जिसमें से अगर आपने बहुत सही किया है तो 100 क्वेश्चन सही किए होंगे, कम से कम 80 क्वेश्चन तो सही आपको करने ही थे. ठीक है, तो मैं आपसे यही बोलूंगा. कट ऑफ मतलब कट ऑफ नहीं, लेकिन एक सेफ स्कोर इंग्लिश में 70 मार्क्स मैं मान के चल रहा हूँ. सेफ स्कोर 70 मार्क्स है क्योंकि जीएस में 30 मार्क्स जोड़ रहा हूँ, एवरेज बच्चे के 30 नंबर जोड़ रहा हूँ. इससे आपका वो बन गया टोटल 100, और ओटीए में 100 निकाल देता है. 100 नंबर ओटीए जाती है, 95-96 जाती है, तो 100 नंबर अगर आपके आ गए तो आप ओटीए निकाल लोगे. उसके बाद जो आईएमए और एएफए के लिए है, जिनके लिए मैथ्स भी होती है, वो मैथ्स में भी अगर नंबर ले आते हैं 40, 45, 50, तो आपका आईएमए और एएफए क्लियर हो जाता है. बल्कि उन लोगों को, उन बच्चों को ना हल्का सा इंग्लिश में थोड़ा सा और कर ले अगर, तो जीएस में 30 नंबर लाके भी वो आईएमए एएफए क्रॉस कर सकते हैं. तो कुल जमा बात का ये है कि इंग्लिश का पेपर आपको बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए और बहुत अच्छे मार्क्स आपको इंग्लिश के पेपर में स्कोर करने ही पड़ेंगे अगर आपको ओटीए या आईएमए और एएफए खासकर निकालना है तो. तो ये टोटल 120 क्वेश्चंस हो गए. अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रपोजिशन एंड डिटरमिनेंट्स की. ये थोड़ा सा अलग आ गया था इस साल, जो कि यूपीएससी सीडीएस हर साल करता है. कभी वो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ देगा अलग से 10, कभी वो आपको एक्टिव पैसे पूछ देगा, है ना, कभी वो आपको कुछ और पूछ देगा. तो ये 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन अलग से हमेशा बनते हैं. वो थोड़ा सा आपको वेरिएशन देता है यूपीएससी सीडीएस के पेपर में कि 10 क्वेश्चन आपको कुछ अलग से टॉपिक बना के आपको दे देगा. 10-15 क्वेश्चन हर साल होते हैं. इस साल एक और चेंज था, कॉम्प्रिहेंशन केवल एक ही आया था. वैसे हर साल कॉम्प्रिहेंशन कम से कम दो तो आते ही है, बट इस साल एक ही आया था, एनवायरमेंट से रिलेटेड आया था, है ना. तो ये टोटल 120 क्वेश्चन थे, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि 100 क्वेश्चन आपके सही होंगे, बहुत ही अच्छी बात है, आपका इंग्लिश क्लियर हो रहा है और जीएस आपका थोड़ा भी अच्छा हुआ तो ओटीए क्लियर है आपका. अगर आपके 80 क्वेश्चन सही है ना, तो आपको जीएस में थोड़ा सा स्कोर करना पड़ेगा, उससे आपकी ओटीए की कट ऑफ क्लियर होगी. और आईएमए एएफए वालों के लिए आपको कम से कम 90-100 क्वेश्चन सही करने ही होंगे, उसके बाद आपको आईएमए या एएफए मिल जाएगा. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस. अगले वीडियो में आपको जीएस का एनालिसिस करके बताऊंगा किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे और क्या ट्रेंड रहा, है ना. तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टे फिट स्टे हेल्दी. जय हिंद.